गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने बुधवार को नए संसद में पहली बार केंद्रीय मंत्री के समक्ष अपना प्रश्न रखा। इस दौरान सांसद ने कोल इंडिया लिमिटेड की कार्य कुशलता बढ़ाने के बारे में जानकारी मांगी। वहीं संसद में प्रश्न करते हुए सांसद रवि किशन ने केंद्रीय मंत्री से पूछा कि वर्तमान समय में पूरे देश में कोयला विभाग किस तरह कार्य कर रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड के कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। वहीं सांसद रवि किशन ने प्रश्नों को जवाब देते हुए कोयला विभाग के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि वर्तमान समय में कोयला विभाग पूरे देश में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ इसके विकास और विस्तार के लिए कार्य कर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वर्तमान समय में कोल प्रोडक्शन के डिजिटाइजेशन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य चल रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोल आवंटन और ब्लॉक आवंटन को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। कोल उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान समय में देश में 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन हो रहा है। सांसद रवि किशन ने कहा कि वर्तमान समय में पूरा देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसका पूरा श्रेय पीएम मोदी को जाता है। आज पूरे विश्व में देश की नई और अलग पहचान है। देश नेतृत्वकर्ता की भूमिका में नजर आ रहा है। समाज के हर वर्ग का उत्थान हो रहा है। पीएम मोदी के विजन ने पूरे देश को नई दिशा प्रदान की है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति अत्यंत आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत में उत्तर दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कोल इंडिया के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से ये भी जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि कोल इंडिया के बेहतर डिजिटाइजेशन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार नए सदन में बोल रहा हूं, उसके लिए धन्यवाद। सर, ओवरऑल कोल प्रोडक्शन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। सर, मेन क्वेश्चन है कोल प्रोडक्शन के ऊपर। डिजिटाइजेशन और जो नया टेक्नोलॉजी कोल प्रोडक्शन में और ओवरऑल जो कोल इंडिया में और जो हमारा सब्सिडरी है उसमें डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में काम चल रहा है सर, लेकिन द लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है उसने हमने इस्तेमाल किया है। और जो पॉलिसी चेंजेस है, इससे पहले के 2014 माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जो कोयला आवंटन में और कोयला आवंटन में जो कोल इंडिया उत्पादन करते हैं वो कोयला आवंटन में और कोयला ब्लॉक आवंटन में दोनों गफला होता था, लेकिन आज हमने इतना ट्रांसपेरेंसी लाया है कोई भी किसी भी लेवल का व्यक्ति, मंत्री सहित किसी भी व्यक्ति 1 किलो कोयला किसी को डिस्क्रिशनरी नहीं दे सकते हैं। 1 भी कोयला ब्लॉक हम डिस्क्रिशनरी आधार पर नहीं दे सकते। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने लाया है और इसके कारण देश में कोयला का उत्पादन भी बढ़ा है, जो सिर्फ 540 मिलियन टन होता था, इस बार हम 1 बिलियन टन हम उत्पादन करके देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम बहुत बड़ा स्टेप्स लिया है। और आने वाले 2 वर्ष में पूरा सब्स्टिट्यूटेबल जो कोल है उसका इंपोर्ट हम पूरा बंद कर रहे। पूर्वोत्तर रेलवे के CPI और पंकज कुमार सिंह ने डॉट सिग्नल पर कहा कि अभी पूर्वोत्तर रेलवे लगातार विकास पथ पर अग्रसर है। अभी तक पूर्वोत्तर रेलवे में ब्लॉक सिग्नल पर कार्य कर रहा है। इसमें जब एक गाड़ी एक स्टेशन से चलती है तो और दूसरे स्टेशन पर जब पहुंच जाती है तो ब्लॉक सेक्शन के जाती है। हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। जब डोमिनगढ़ से गाड़ी बस्ती तक जाए तो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल के कार्य पूरा कर लिया जाए। अभी तक छपरा से बाराबंकी तक का ब्लॉक सिग्नल का कार्य पूरा कर लिया जाए। इससे हम लोग सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चला पाएंगे। इससे हम लोग ज़्यादा ट्रेनें चला पाएंगे और ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ेगी। इससे ट्रेनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जिससे ट्रेन समय से यात्रियों को उनकी जनता तक पहुंचाएगा। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, भी पूर्वोत्तर रेलवे लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और इसमें
जो पूर्वोत्तर रेलवे में अभी तक जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम, इसमें ये होता है कि एक गाड़ी एक स्टेशन से चलती है और जब अगले स्टेशन पे पहुंच जाती है तब दूसरी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में जाती है। अभी हम लोग ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और हम लोगों का जो टारगेट है कि डोमिनगढ़ से बस्ती तक इस वित्त वर्ष में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का कार्य पूरा करेंगे। अगर सैंक्शन की बात करें तो छपरा से लेकर बाराबंकी जो मुख्य मार्ग है वहाँ ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का जो कार्य है वो सैंक्शन है। सीतापुर से बुढ़वल लाइन का भी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का कार्य सैंक्शन है। और भी अगर छपरा से देखें तो छपरा से प्रयागराज तक जो हमारी लाइन जाती है वहाँ भी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का कार्य किया जाना है, लेकिन प्रथम फेज में हम लोग जो ओपन करने वाले हैं वो डोमिनगढ़ से बस्ती के बीच में करेंगे और इस मुख्य रेल मार्ग को कंप्लीट करेंगे। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चला पाएंगे, यानी कि इसमें क्या होता है कि हर किलोमीटर पर एक फोर आस्पेक्ट सिग्नल लग जाते हैं जिसकी वजह से एक ब्लॉक सेक्शन में एक से ज़्यादा ट्रेनें हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा है कि कैपेसिटी बढ़ जाती है, हम लोग ज़्यादा ट्रेनें चला पाएंगे। दूसरा इसका जो फायदा है वो ये है कि जो स्पीड बढ़ाने की कवायद लगातार रेलवे कर रही है और उसके लिए ढेर सारे कार्य भी हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो कोचेस का कन्वर्जन हो कि हम लोग एलएचबी कोचेस सभी ट्रेनों में लेकर आ रहे हैं, या फिर रेल फेंसिंग लगाने का कार्य सैंक्शन किया गया है, तो उसके साथ सिग्नल में या तो डबल डिस्टेंस सिग्नल होना चाहिए या ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग होनी चाहिए स्पीड बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए। तो हम लोगों ने उस क्रम में आगे बढ़ते हुए ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का कार्य शुरू किया है। तो इससे न सिर्फ लाइन की क्षमता बढ़ेगी लेकिन बल्कि आने वाले समय में जो हमारे रूट की स्पीड है वो भी बढ़ेगी, जिससे जो हमारी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं वो ज़्यादा स्पीड पे चलेंगी, समय कम लगेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा। अभी क्या सिस्टम है, जो करंट में सिस्टम होता है आप सभी को पता है कि एक स्टेशन पे गाड़ी पहुंचती है और दूसरे स्टेशन से लाइन क्लियर मिलता है फिर गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में जाती है, यानी कि एट ए टाइम एक ट्रेन एक ब्लॉक सेक्शन में चलती है। लेकिन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग लगने के बाद से हर किलोमीटर पे फोर आस्पेक्ट सिग्नल लग जाते हैं, तो सिग्नल के माध्यम से ही ट्रेनें उस पे चलती हैं। तो एक ब्लॉक सेक्शन में एक समय में एक से ज़्यादा ट्रेनें हम लोग चला पाएंगे क्योंकि वो सिग्नल से मॉनिटर्ड रहती हैं ट्रेनें। और इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम भी बनता है, CTC बोलते हैं जिसे, तो उसका भी कार्य होगा। पहले फेज में हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि डोमिनगढ़ से बस्ती के बीच में ये कार्य काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इसको इस वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। इसके हो जाने से एक तो पूर्वोत्तर रेलवे में ये पहला ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का कार्य होगा, तो पूर्वोत्तर रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने पहली थर्ड लाइन खोली है, पूर्वोत्तर रेलवे का सभी BG नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हुआ है, तो जो बदलाव पूर्वोत्तर रेलवे में चल रहे हैं वो और आगे बढ़ेंगे और इससे यात्रियों को और बेहतर। जनपद में बड़ी ठंडक पर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम इसी तरह से रहेगा और वर्षा होने की संभावना इस क्षेत्र में दो दिनों तक बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि आज गोला क्षेत्र में बारिश हुई है, अभी कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे लेकिन उसके बाद कुहासे की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए वाहन चलाते समय वाहन हेडलाइट जलाकर चलें जिससे कि एक्सीडेंट की घटना पर रोक लगाया जा सके और गर्म कपड़ा पहने। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए ये तो अब शीतलहर का सीजन है, ठंड का मौसम प्रारंभ हो चुका है और ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो सूचना हमें प्राप्त हुई थी उसके अनुसार मौसम जो है वो अभी अगले एक दो दिनों तक इसी प्रकार बना रहेगा। चुटपुट वर्षा होने की संभावनाएं इस क्षेत्र में बनी रहेंगी, खासतौर से अभी जो आज की जो वर्षा रही वो गोला वाला क्षेत्र में जो था उधर निचले गोरखपुर के हिस्से में काफ़ी बारिश हुई और इधर बूंदाबांदी रही है, लेकिन ये मौसम थोड़ा सा बादल छाए रहेंगे और एक दो दिनों के बाद मौसम क्लियर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कुहासा की स्थिति बनेगी, फॉग की स्थिति बनेगी, तराई बेल्ट में थोड़ा डेंस फॉग होने की भी संभावना है। तो इसलिए ये सभी से अनुरोध रहेगा कि लाइट्स ऑन करके ही अपने व्हीकल्स को चलाएं जिससे कि एक्सीडेंट की घटनाएं न्यून हो सकें। रिफ्लेक्टिव्स जरूर स्टिकर्स अपने वाहनों पर लगाए रखें जिससे कि दिखाई दे सके। तो इस तरीके से सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी उपाय हैं वो करें और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान। भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है जिसकी वजह से भारत में एक्सपोर्ट का व्यापार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग होगी और भारत जनवरी 2024 में 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। पहले हम लोग केवल एक्सपोर्ट करते थे, अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम लोग मेक इन इंडिया के माध्यम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है क्योंकि हमारे लोग मेहनती हैं।
सबके सब आप आए छोटे से निमंत्रण पर शॉर्ट नोटिस पे आए, पहले तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमेशा हमारे छोटे से आमंत्रण पर आप उसका सम्मान करते हैं, इसके लिए मैं आप सबका आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट ऑन दिस वेरी शॉर्ट नोटिस ऑल ऑफ यू हैव कम ड्यूरिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का बहुत बड़ा एक पर्पज था, देश की इकोनॉमी में देर इज अ मेजर इंफ्लेक्शन पॉइंट देखा जाता है, देश की इकोनॉमी में एक मेजर टर्न आया है, वो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। आप सबने देखा एक लंबे टाइम तक देश में मैन्युफैक्चरिंग को एक इम्पोर्टेंस देनी है करके बोलते थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंस कभी तक मिली। देश की मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब आजादी के 40-50% तक, आजादी के बाद में 40-50% तक मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंटली या तो डाउन हुई या तकलीफों में आई। एक तरीके से बहुत ही जो हमारा एस्पिरेशन था, हमारा जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को हम कभी पूरा नहीं करते। आप देखेंगे जब मेक इन इंडिया पीएम साहब ने लॉन्च किया, जब मोदी जी ने पीएम साहब ने जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया, वो एक बहुत बड़ा गोल्डन स्टेप था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, थिंकिंग में चेंज लाने का। तब भी हमारे विपक्ष के लोग इसको बहुत ही बार बार क्रिटिसाइज करते थे। अगर आप कांग्रेस का उस समय का मैनिफेस्टो उठाएं, उसमें भी लिखा होता था कि मेक इन इंडिया करना चाहिए, लेकिन जब मेक इन इंडिया पीएम साहब ने लॉन्च किया तब उन्होंने इसका क्रिटिसिजम किया। यानी जो 50-60% कांग्रेस की पॉलिसी होती थी वो उसी में परिलक्षित होती रही, वो उसी में रिफ्लेक्ट होती रही थी, मेक इन इंडिया का भी विरोध। मैं आपके साथ आज बैठा हूँ ये क्लियरली आपके साथ डेटा और फैक्ट के साथ बताने के लिए कि हम उस परिस्थितियों में पहुंच गए हैं जब हम बहुत जल्दी $1 trillion एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार, और उसके पीछे फाउंडेशन है मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया की सक्सेस, डिजाइन इन इंडिया की सक्सेस, इनोवेटिंग इंडिया की सक्सेस, और सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो उसके बाद में लाए गए, सीरीज ऑफ सिंप्लीफिकेशन जो किए गए, एक तरीके से ये उसका पूरा रिफ्लेक्शन है। अगर हम डेटा देखें तो आज एक्सपोर्ट हमारे $762 billion पहुंचे, $760 billion पे हम लोग एक्सपोर्ट किए। इस एक्सपोर्ट की भी अब हमें डाइवर्सिटी समझने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट, आज गुड्स का एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, उन चीजों का एक्सपोर्ट सबसे पहले हमें देखना चाहिए। लंबे टाइम तक एक्सपोर्ट्स में सर्विसेज की हमेशा ज्यादा संचय रहती है लंबे टाइम। अब आप देखो गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगा है, $453 billion है गुड्स का एक्सपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट है $309 billion। आप देख रहे हो मैं किस इंफ्लेक्शन पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, बहुत बड़ा एक चेंज आया, बहुत बड़ा एक इंफ्लेक्शन पॉइंट है जिसमें देश की इकोनॉमी एक तरीके से चेंज हो रही है, उसका एक रिफ्लेक्शन। उसका साधारण मानवीय से क्या असर पड़ता है, उसका ह्यूमन एंगल क्या है, वो मैं अभी बताऊंगा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से यानी गुड्स के एक्सपोर्ट से यानी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड एक्सपोर्ट से इसका असर साधारण से साधारण मानवीय पे बहुत बड़ा एक्सपोर्ट, बहुत बड़ा उसका असर पड़ता है, हर नागरिक पे असर पड़ता है। अगर हम कई देशों का उनकी इकोनॉमी को स्टडी करें, जैसे जापान की इकोनॉमी को अगर स्टडी करें, साउथ कोरिया की इकोनॉमी को स्टडी करें, इन सब ने अपने इकोनॉमिक जर्नी में जब ग्रोथ वाला जो पाथ था, ग्रोथ वाला जो पीरियड था, जिस पीरियड में वो
लो इनकम से मिडिल इनकम, मिडिल इनकम से हाई इनकम की तरफ बढ़े, उसमें मैक्सिमम उन्होंने ध्यान दिया मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम इन देशों से पहले जो हाई इनकम में आए, जैसे यूएस, जैसे जर्मनी, जैसे फ्रांस, जैसे यूके, इन देशों के उस जमाने के यानी 1800 के आसपास के अर्ली 1900 के पीरियड को देखें, स्टडी कर, उसमें भी आप देखेंगे कि इन देशों ने लो इनकम से मिडिल इनकम और हाई इनकम में आने के लिए बहुत बड़ा फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम अपने पड़ोसी देश चाइना को भी देखें, वहां पर भी उन्होंने बहुत बड़ा फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग। यानी हमारे समकक्ष कितनी इकोनॉमीज है, हमारे बराबर की साइज के कितने देश हैं, हमारे इस ग्रोथ के पास में कितने देश गुजर चुके, उन सब ने अपने देश में, अपनी इकोनॉमी में, अपनी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा एक स्थान दिया। यही मोदी जी ने 2014 में आते ही सबसे पहला जो बड़ा इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो बहुत बड़ी इकोनॉमिक फिलॉसफी लॉन्च की थी, जो इकोनॉमिक थॉट लॉन्च की थी, उसमें मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा, तो मैं इसीलिए आपके साथ आज बैठा हूँ कि आपको बताऊं मेक इन इंडिया की सक्सेस के कारण किस तरह से आज एक्सपोर्ट्स में मर्चेंडाइज का यानी गुड्स का कंपोनेंट एक सिग्निफिकेंट मात्रा में बढ़ गया है, और जिस तेजी से अभी ग्रोथ हो रही है उसका अगर उदाहरण दें, और जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है उसका अगर हम उदाहरण दें, तो आपको लगेगा कि किस तरह से साधारण मानवी के जीवन में बड़ा फर्क है। इससे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ग्रोथ से क्या होता है, सबसे बड़ा फर्क कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोग इकोनॉमी के एक लेवल से ऊपर बढ़ते हैं, मिडिल इनकम, लो इनकम से मिडिल इनकम की तरफ जाते हैं, तो लोगों की इच्छा होती है कि अच्छी फैक्ट्री में काम करें, खेत में काम सरप्लस अगर हो जाता है, खेत में अगर लेबर सरप्लस हो जाता है, उस लेबर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और यही इसके पीछे पूरी थॉट प्रोसेस थी कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा रोजगार बने। आज अगर हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट यानी प्रोविडेंट फंड में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उस डेटा को देखा, जापान की टीडी के बैटरी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगी, तो क्या इंडिया में वो टेक्नोलॉजी भी शेयर होगी, और क्या कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन इस फील्ड में भी आएंगे कि वो बैटरीज भी यहीं पर ही बनाएंगे इंडिया के अंदर? एग्जाम्पल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और ये बहुत गहरा प्रश्न है, ये समझने वाला प्रश्न है, हम सबको ये समझने में भी काम आएगा। जब रेलवे में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया मधेपुरा पर, उसमें इंजन बनने चाहिए, देश में बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंजन बनने चाहिए, तो आज भी अगर आप जाओ उस इंजन के अंदर 12,000 हॉर्स पावर की, तो उसको ऐसा लगता है जैसे किसी कंप्यूटर सेंटर, डेटा सेंटर पर है। आपको लगेगा नहीं कि आप किसी रेलवे के इंजन के अंदर हो, कंप्यूटर का डेटा सेंटर जैसा लगता है। जब उसका काम चालू हुआ तब यही प्रश्न उठते थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह वगैरह होगा या नहीं। आज मैं आपको बताते हुए मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन होती है, अभी मैं काफी टाइम मध्य प्रदेश में काम कर रहा था, भोपाल का एक मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई चेन में जुड़ा, वो आज बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है कंपोनेंट्स, जो लोकोमोटिव के इंजन की सप्लाई चेन में जुड़ा, वो आज एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। और इस गर्व के साथ वो कहता है कि पहले हम लोग सोचते थे क्वालिटी क्या है, समझ में नहीं आती थी क्या चीज होती है क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, सिक्स सिग्मा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी क्या होती है, मेटलर्जी में क्या ध्यान देना होता है। आज दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित महंत दिग्विजयनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल एवं महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता के तहत एमपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर मैच खेला गया, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता के अंतर्गत बास्केटबॉल व वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जो कि 8 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 8 टीमें भाग ले रहे हैं और कुल 96 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुरस्कार वितरण 10 दिसंबर को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के उपसभापति हरवंश राय व मुख्य वक्ता के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना होंगे और पुरस्कार वितरण करेंगे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा, इसमें जो बास्केटबॉल का खेल चल रहा है राज्य स्तरीय वो महंत दिग्विजयनाथ स्मृत प्राइज मनी प्रतियोगिता है, जिसमें हमारी 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रत्येक टीम में जो है हमारे 12 खिलाड़ी हैं, कुल 96 खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और महंत अवैधनाथ जी की स्मृति में हमारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता राज्य स्तरीय 6 तारीख का उसका शुरुआत हुआ वो भी हुआ है, उसमें हमारी जो है 10 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और कुल 120 खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता 6 तारीख से प्रारंभ होकर के 3 दिन चलनी है, 6, 7 और 8। 8 का फाइनल मैच हो जाएगा। पुरस्कार वितरण जो है 10 दिसंबर को जो हमारा मुख्य महोत्सव जिसको हम कहते हैं मुख्य महोत्सव पुरस्कार वितरण कार्यक्रम उसमें होगा, जिसमें पूज्य महाराज जी की अध्यक्षता रहेगी और मुख्य अतिथि के रूप में उस दिन हमारे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी सम्मिलित हो रहे हैं और मुख्य वक्ता के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी सम्मिलित हो रहे हैं। इन लोगों के हाथों से वो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न। गोरखपुर के कोतवाली पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने शातिर वाहन चोर शिवम मोरिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शातिर चोर के पास से 5 चोरी की गई स्कूटी बरामद की गई है। इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार किया गया शातिर चोर अपने नशे के शौक को पूरा करने को लेकर वाहनों की चोरी करता था, जिसकी कोतवाली थाना क्षेत्र के बाबिना इलाके से गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, गोरखपुर के थाना कोतवाली के बाबिना होटल क्षेत्र में परसों रात्रि देर रात्रि एक चोर ने 5 स्कूटियों की चोरी की थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर। वह चोरी करने के बाद में उनका चोरी करते समय उनका लॉक तोड़ देता था, उसके बाद में एक प्रोफेशनल तरीके से वायर जोड़ के उसको स्कूटी को ले जाके तरंग क्रॉसिंग के पास में रोक देता। इस तरीके से सुनसान जगह पर उसने टोटल 5 स्कूटियां रोकी। एक स्कूटी की चोरी होने के बाद में तुरंत उन्होंने 112 पे कॉल किया तो पीआरवी द्वारा उस चोर को पकड़ा गया और जब चोर से सख्ताई से पूछताछ की गई थी तो उसने 5 स्कूटियों को तरंग क्रॉसिंग के पास में खड़ा होने को बताया गया और वहां से 5 स्कूटियां रिकवर कर ली गई है। उसके खिलाफ ये पहला मुकदमा है, ये सारे अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और उसके बाद इसको जेल भेजा जा रहा है। इस व्यक्ति का कहना है कि यह स्मैक पीने के बाद में उसको इस तरीके की आदत लग जाती थी। पहले ये लोहा बेचने का काम करता था, जहाँ भी कोई भी लोहे की कोई चीज पड़ी रहती थी उसको बेचता था। अब ये इस बार इन्होंने स्कूटी बेचने का चोरी करने का प्रयास किया। पता लगाया जा रहा है कि ये व्यक्ति कहाँ से इस तरीके के नशे के जो बाधे उनको कहाँ से लाता था और आगे की विधि कार्रवाई है। पहली बार इसने स्कूटी चोरी करने का जो जुर्म है वो कबूला है, जिससे पूरे इसने इस तरीके का कोई क्राइम नहीं। सर, एक ही रात में लगातार स्कूटी 5 चुराई है तो क्या मतलब हाँ ये इसने इस कृत्य को स्कूटी जैसे चोरी करता उसके बाद में 100-200 मीटर दूर ले जाके रोक देता सुनसान जगह पे। इस तरीके से इसने 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर पति पत्नी के बीच रिश्तों की कड़वाहट को दूर करने के लिए चलाए जा रहे परिवार परामर्श केंद्र का पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु परवा सिंह ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान परिवार
परामर्श केंद्र पर आए हुए एक दंपति से वार्ता कर उन्हें अपने आपसी रिश्तों की कड़वाहट को दूर करने के लिए खुशी खुशी एक साथ रहने के लिए राजी कराया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह द्वारा परिवार परामर्श केंद्र पर नियुक्त किए गए काउंसलर की जानकारी ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और और पापा भी कहते हैं खदिर खदिर मार है चोर की घर ये नहीं आई और ये करवाया से आते भी नहीं ये मुकदमा लिखवा दिया मतलब ये ना इसलिए मैंने मुकदमा लिखा लेकिन तो समझते नहीं है कौन मैडम समझेगी मतलब वो थी मतलब अरे कौन मन हर्ट काउंसलिंग इनकी और विजय काउंसलिंग से ये लोग साथ रह रहे हैं ठीक है और अब आज भी का मामला दूसरे ये लोग आपस में आदान प्रदान वहाँ लेन देन वकील को लेके घर से। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने कहा जैसा कि आपको जानकारी है कि शासन की मंशा के अनुसार जो घरेलू विवाद हैं जिनकी वजह से फैमिलीज टूट रही हैं ऐसे जो छोटे मोटे विवाद हैं उनको प्रयास करके पुलिस के प्रयास से सॉल्व किया जाए और जो दोनों पक्ष हैं लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों को बिठा के बात की जाए ताकि जो परिवार है वो टूटे नहीं। और इसीलिए महिला थाना के पास गोरखपुर जनपद में एक परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है जिसमें लगातार काउंसलिंग का कार्य किया जा रहा है। इसमें पुलिस महकमे के साथ साथ जो समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं वो वॉलंटरली इसमें पार्टिसिपेट करके काउंसलिंग लोगों की कर रहे हैं और हम काफ़ी हद तक परिवारों को जोड़ने में सफल हो रहे हैं और जो इसका उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो रही है। मैम आज निरीक्षण के दौरान कुछ ऐसे परिवार पाए गए हैं जो जिनका आपका आपसी समझौता कराया गया। आज जो कुछ परिवार आए थे उसमें अभी तक एक परिवार का सुलह समझौता करवाया गया है बाकियों में अग्रिम डेट दी जा रही है। बेलीपार थाना क्षेत्र के सेवई चौराहे पर सड़क के किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से गिट्टी लदी ट्रेलर गाड़ी ने टक्कर मार दी जिससे ट्रैक्टर ट्राली के परखच्चे उड़ गए। संयोग अच्छा रहा कि तेज टक्कर के बाद भी दोनों वाहन चालक सुरक्षित बच गए। घटना के बाद ट्रेलर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के सेवई चौराहे पर फोर लेन के फ्लाई ओवर पर बृहस्पतिवार की सुबह करीब 3 बजे बहराइच से आजमगढ़ जा रहे ट्रैक्टर के ट्राली का पहिया पंचर हो गया और सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई जिससे जाम लगने लगा। ग्रामीण की सूचना पर मौके पर पहुंची बेलीपार पुलिस ने खराब ट्रैक्टर ट्राली को किसी तरह सड़क के किनारे खड़ा करके अन्य वाहनों के संकेतों के लिए सड़क के किनारे पर ईंट पत्थर रख दिए गए। ट्रैक्टर चालक राम प्यारे जायसवाल ने बताया कि सुबह 5 बजे बढ़लगंज से गोरखपुर की ओर तेज रफ्तार से जा रहे गिट्टी लदे ट्रेलर गाड़ी संख्या UP 53ET 1752 ने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली के पीछे से जोरदार टक्कर दी। जोरदार टक्कर होने के बाद ट्रैक्टर और ट्रेलर एक साथ घिसटते हुए 50 मीटर तक आगे गए। सड़क किनारे लगे रेलिंग में टकराने के बाद दोनों गाड़ियां ऊपर नीचे हो गईं। ग्रामीणों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क के किनारे लगी रेलिंग 50 मीटर तक उखड़ गई और घटना के बाद ट्रेलर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इसी क्रम में क्षेत्र के विस्टोली बुजुर्ग शिव मंदिर के सामने गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे खराब मौसम के बीच एक अन्य ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना में भी किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। गोरखपुर में गुरुवार सुबह रिमझिम बारिश से अचानक मौसम बदल गया। यहाँ तेज रिमझिम बारिश होने से ठंड का एहसास होने लगा। आपको बता दें कि पिछले 4-5 दिनों से तीखी धूप ने मौसम को शुष्क बना दिया था लेकिन बुधवार आसमान में हल्के बादल छाने से अधिकतम तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार को भी तापमान में नरमी आ सकती है। 11 व 12 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान के लुढ़क कर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। 5 दिन पहले बूंदाबांदी के बाद आसमान साफ होने पर सूरज की तेज किरणों ने तपिश बढ़ा दी थी जिसके चलते अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को
दिन में आसमान में बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में गिरावट आई और तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि यह तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को दिन में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इसकी वजह से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने 11 व 12 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान के गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने 11 दिसंबर से मौसम में व्यापक बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावी। गोरखपुर महानगर में तेजी के साथ बढ़ते ई रिक्शा के चलन को देखते हुए परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा यातायात तिराहे पर अभियान चलाकर नाबालिग ई रिक्शा चालकों व यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई। एक एक जो है ई रिक्शा चालक का चेक कर रहे हैं, सीधी तस्वीरों पर नजर आते हैं। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्याम देव बिंद ने कहा, इस तरीके का अभियान चलाया जा रही है। ये देखिए, आज परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी सूचना आ रही थी कि ई रिक्शा कुछ नाबालिग बच्चों द्वारा चलाया जा रहा है या बिना डीएल के चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज परिवहन विभाग के साथ मिलकर यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया है। यहाँ देखिए, हमारी परिवहन विभाग की टीम मौजूद है और जो लोग बिना डीएल के ई रिक्शा चला रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने लोगों के खिलाफ? अब तक लगभग 50 ई रिक्शा जो है कि बिना वाहन चालक जो बिना डीएल के पाए गए हैं उनके खिलाफ जो है कि यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। आगे कार्रवाई चलती रहेगी? निश्चित रूप से कार्रवाई लगातार आगे भी चलती रहेगी। और ये लोगों से हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि बिना डीएल के कोई भी वाहन ना चलाएं, ई रिक्शा ही नहीं, कोई भी वाहन बिना डीएल के ना चलाएं। ये ऐसे ही रिक्शा चालकों के खिलाफ चल रहा है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या अथवा माइनर है। खास तौर से ऐसे मोटर मालिक जिनके पास तीन तीन चार चार ई रिक्शा हैं और वो बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे रोड पे ले आ रहे हैं, एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है, सही से संचालन नहीं होता है, तो उसी पे लगाम लगाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। जिसमें कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के या फिर माइनर चला रहा है, 18 साल से कम उम्र का चला रहा है, तो इसके लिए उनकी गाड़ी बंद करी जाएगी। क्या जुर्माना का नाबालिग चलाता है सर? नाबालिग चलाएगा तो 25,000 रुपये जुर्माना है, और अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मतलब एडल्ट चलाएगा तो 5,000 रुपये। ई रिक्शा के लिए अलग से कोई लाइसेंस है कि जो फोर व्हीलर का जो है? नहीं, ई रिक्शा के लिए पहले लाइसेंस था, अभी भी बनता है, लेकिन फोर व्हीलर का जो लाइसेंस है वो वैलिड है ई रिक्शा पे। नाम पता बता दो। मैं पैसेंजर टैक्स ऑफिसर, RTO डिपार्टमेंट, गोरखपुर।